चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें दो क्लास देख चुके हैं, दो क्लास देख चुके हैं ना, पार्ट टू तक हो गया। ये क्या होगा, पार्ट थ्री होगा, यही होगा ना। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिए हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते थे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना पूर्व पथ से विचित होता था, इसे क्या कहते थे, प्रकाश का अपवर्तन। ओए क्या हुआ रे, फिर पीटे हैं कल जैसा। फिर तुमने पढ़ाए थे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब सघन से विरल में जाते थे क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है। फिर अपवर्तनांक तुम लोग पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे तुम लोग को अपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ाए थे, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे पार्श्विक विस्थापन बताए थे, ये सब बता चुके हैं ना। अब देखा है लेंस में पहुँचेंगे, पहले प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म क्या देखते हैं, प्रिज्म देखते हैं क्या देखते हैं, प्रिज्म को दिखाने के लिए पहले बता। प्रिज्म बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, प्रिज्म बहुत प्रकार का होता है। त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, चतुर्भुजाकार होता है, बहुत प्रकार का प्रिज्म होता है। लेकिन हमको पढ़ना कौन सा प्रिज्म है, पढ़ना है त्रिभुजाकार। क्या पढ़ना है, पंचभुजाकार होता है, इस प्रकार बहुत प्रकार का प्रिज्म होता है, षटभुजाकार हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को जो हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म पढ़ेंगे, त्रिभुजाकार होता है तो बहुत प्रकार का, लेकिन कौन सा पढ़ेंगे, त्रिभुजाकार, ठीक है ना। दो कॉपी ला, दो कॉपी दिखाते हैं। तो हम लोग कौन प्रिज्म पढ़ेंगे, त्रिभुजाकार। कौन सा प्रिज्म पढ़ेंगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, होता है बहुत प्रकार का, लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना है फिर इसमें कौन सा, त्रिभुजाकार। कौन सा पढ़ना है, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसे होगा, यहाँ ध्यान दे, इस प्रकार त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, मतलब देखेगा ना उस त्रिभुज को, यहाँ पर तो 3D नहीं है, तब देखने में लगेगा कुछ अलग, लेकिन जब उसको देखेगा तो क्या लगेगा, त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसा होगा, वो ऐसे होता है। ये हो गया प्रिज्म, क्या हुआ, ये हुआ त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये क्या हुआ, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ये कैसा प्रिज्म है, त्रिभुजाकार। इसको देखेगा तो त्रिभुज ऐसा लगेगा, क्या लगेगा, तो कहेगा प्रिज्म कहते किसे हैं, प्रिज्म कहते हैं, तो बोलेंगे क्या, किसी कोण पर झुके हैं। जैसे देख यहाँ पर ये कैसा ये जो दिख रहा है ना प्रिज्म, कैसा है, ऐसा है, देख यहाँ ध्यान दे, ये प्रिज्म जो दिख रहा है ये कैसा है, इस प्रकार है, कैसा है, यही प्रिज्म, इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। क्या बोलते हैं, त्रिभुज ऐसा दिखाई दे रहा है, आगे से दिखाई दे रहा है ना, तो इसको इस तरह प्रिज्म बनाया है, जो ये दिखाई दे रहा है कैसा प्रिज्म है, इस प्रकार है, और यही प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो ये झुका हुआ है, यहाँ पर कोई कोण पर झुका हुआ है ना, इधर और इधर झुका हुआ है ना, तो जब इधर झुका हुआ है इधर झुका हुआ है तो कोई कोण पर तो झुका हुआ है ये, तो बोलेंगे क्या कहेंगे, प्रिज्म किसे कहते हैं, बोलना किसी कोण पर झुका, किसी कोण पर झुका, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुका। दो समतल सतह, दो समतल सतह है, देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना है तब तो याद होगा, दो समतल सतह के बीच के पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी को प्रिज्म कहते हैं। याद हुआ तुम लोग, चित्र से याद हुआ, ये कैसा है, ये कैसा प्रिज्म है जो बना अभी बनाए, कैसा है, तो यह है त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजा, क्योंकि यह देखने पर क्या है, त्रिभुज का कैसा है, त्रिभुज का कार क्या, आप पूछेगा प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म, तो बोलना किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके। क्या बोलना है, किसी कोण पर, तो ये देख यहाँ पर झुक गया, ये कोण पर झुका हुआ है ना, इधर भी झुका हुआ है, उधर भी झुका हुआ, कॉपी ला तो कॉपी में ठीक रहेगा, ये थोड़ा ज़्यादा अथी होता है, अरे उतने मोटा नहीं, पत्र कला ना, अरे बंदर का एक, चलिए यहाँ ले, ये झुक गया है, ये क्या हो गया प्रिज्म, क्या हो गया, तो कोण पर झुका हुआ है ना, कोण पर झुका हुआ है ना, तो प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे, तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर, दो समतल सतह, दो समतल सतह के बीच के पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश पार होगा ना इसमें, पारदर्शी माध्यम को पारदर्शी प्रिज्म कहते हैं। याद हुआ, प्रिज्म किसे कहते हैं, तो किसी कोण पर झुके, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, अंदर कोण नहीं बन रहा है, कोण बन रहा है, तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण दो, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर, दो समतल सतह, समतल सतह है, इधर भी समतल है, इधर भी समतल है, तो दो समतल सतह, दो समतल के बीच के पारदर्शी माध्यम के बीच के, यहाँ पारदर्शी माध्यम है ना, बीच में जो माध्यम वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, क्या होना चाहिए, तो के बीच के पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। याद हो गया, अब आएगा प्रिज्म में कितना सतह होता है, प्रिज्म में कितना सतह, कितना सतह होता है, देखिए एक सतह, दो सतह,
अरे यहाँ पे थोड़े खोल रहेगा, शीशा रहेगा तो भरा नहीं रहेगा, ये ना सोने के उसमें भी खोल रहेगा, यहाँ तो कॉपी है तब ना खोल है, उसमें खोल रहेगा क्या? शीशा रहेगा तो यहाँ भरा रहेगा, तो 3 सतह, फिर एक इधर पीछे 4 सतह, और फिर एक नीचे 5 सतह, तो प्रिज्म में कितना सतह होता है? त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितना सतह होता है? हम लोग त्रिभुजाकार पढ़ेंगे तो डायरेक्ट पूछेगा प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5, कितना? 5, कितना बोलना? 5 सतह, तो प्रिज्म में कितना सतह? कैसे होते? 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, इधर इधर 4 सतह, और नीचे 5 सतह, कितना सतह हो गया? 5 सतह में बताना है कि समतल सतह कितना होता है? 3 होता है बंदर, 1, 2, 3, समतल सतह कितना होता है? तो 5 सतह में से समतल सतह कितना होता है? 3, 5 सतह में से त्रिभुजाकार सतह कितना होता है? 2, एक इधर और एक इधर, 2 होता है, कितना होता है? 2, याद हो गया प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म में कुल कितना? 5 सतह, कितना? अब देखें आप, अब बोलेंगे कि यहाँ ध्यान दे, अब जिससे प्रकाश पार होगा, ऐसे 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 प्रिज्म को रख दिए, इधर से लाइट मारे, टॉर्च मारे, तो इसी से पार होगा प्रकाश, और इधर निकलेगा, निकलेगा ना, इधर से पार होगा, इधर से क्या होगा? निकल जाएगा। तो जिस जिस पृष्ठ से उसका, जिस पृष्ठ से या जिस सतह से होकर, जिस सतह से होकर प्रकाश आर पार होगा, उसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। क्या बोलेंगे? तो अपवर्तक सतह कितना हो गया? 2 ठो, कितना हुआ? 2 ठो, कितना हुआ? इधर से लाइट मारेंगे तो इधर निकलेगा, या इधर से लाइट मारेंगे तो इधर, तो अपवर्तक सतह कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 2 हो गया, कितना हो गया? 2, तो अपवर्तक सतह कितना होता है? 2, कितना होता है? तो अपवर्तक, अब बोलेगा प्रिज्म का कोण किससे कहते हैं? प्रिज्म का कोण, तो कोण देखो यही, इसी को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। यहाँ कोण बन रहा है ना, ये जो झुका हुआ है तो अंदर कोण बन रहा है ना, क्यों कोई कोण पर झुका हुआ है ना, इसी को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह, अपवर्तक जिस कोण पर झुका होता है उसे आप प्रिज्म का कोण कहते हैं। याद हुआ? अपवर्तक सतह, ये दोनों क्या है? अपवर्तक सतह है, ये दोनों क्या है? ये और ये क्या है? अपवर्तक सतह है। तो अपवर्तक सतह, अपवर्तक जिस कोण पर झुका होता है, झुका है ना, इधर भी झुका है, इधर भी झुका है, तो जिस कोण पर झुका होता है, तो यहाँ कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। अंदर कोण नहीं बन रहा है, अपवर्तक कोण कहते हैं, सॉरी प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का याद हुआ तुमको? प्रिज्म का कोण, जैसे यहाँ पर झुक दिया और झुका दिया अपवर्तक सतह, तो बड़ा कोण बन गया, तो प्रिज्म का कोण बड़ा हो गया, और झुका दिया तो बड़ा सतह बन गया, तो प्रिज्म का कोण बड़ा हो गया। अब देखो छोटा कर दिया अपवर्तक सतह को, कम झुकाए हैं ना, झुकाए हैं, तो कौन जी प्रिज्म का कोण बन रहा है? तो प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह, अपवर्तक जिस कोण पर झुका होता है उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का, इतना समझ गया तुम लोग? समझ गया तुम लोग? कोई दिक्कत? चल देख आप लिखाते हैं सब कुछ। तो पहले प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म पहले बता रहे हैं क्या आप? प्रिज्म, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म, तो क्या बताया था? प्रिज्म किसे कहते हैं? क्या बताया? किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुका, झुका हुआ था ना, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, दो समतल सतह था, दो समतल सतह के बीच, दो समतल सतह के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को, घिरे पारदर्शी, घिरे पारदर्शी, पारदर्शी को, क्योंकि प्रकाश आर पार में होगा, अपवर्तन पर नहीं, परावर्तन पर न, अपवर्तन प्रकाश पार होता है, तो घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। कोई दिक्कत है? ये हो गया। प्रिज्म में कितना सतह होता है? प्रिज्म में कुल सतह, कुल कुल कितना सतह होता है? कुल कितना सतह होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 सतह होता है। प्रिज्म में कुल 5 सतह, जिसमें समतल सतह कितना होता है? समतल सतह कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। त्रिभुजाकार सतह कितना होता है? त्रिभुजाकार सतह कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। अपवर्तक सतह कितना होता है? अपवर्तक जिससे प्रकाश पार होता है, निकलता है, अपवर्तक सतह कितना होता है? 2। कितना होता है? और यही अपवर्तक सतह जिस कोण पर झुका रहता है, यही अपवर्तक सतह जिस कोण पर, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण क्या कहते हैं? प्रिज्म का, तो प्रिज्म का कोण किसे कहेंगे? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का, तो क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह, अपवर्तक जिस कोण पर झुका हो, जिस कोण पर अपवर्तक सतह, अपवर्तक जिस कोण पर झुका हो, जिस कोण पर, जिस कोण पर झुका हो, बंद कहेगा उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। झुका हो उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म के बारे में समझ गया सब कुछ।
अब यहाँ तो प्रिज्म इस देखो यही प्रिज्म था, इधर एक त्रिभुज था, इधर एक त्रिभुज था, दो सताता था ना, तो ये 3D नहीं बन रहा है, 3D तुमको दिखाए तुम लोग को। अब हम लोग को अगर प्रिज्म बनाना रहेगा तो इतना बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे बार बार क्या। अब हम लोग को प्रिज्म बनाना रहेगा तो सामने से कैसा दिख रहा था, सामने दिख रहा था त्रिभुजा का नहीं दिख रहा था, इधर से सामने देखते कैसा दिख रहा था, त्रिभुजा का दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, तो खाली त्रिभुज बना लेंगे तो समझ आएंगे प्रिज्म है क्या। जब सामने देखें त्रिभुजन दिखाई दे रहा था, उधर से देख रहा था ना, तो क्या दिखा त्रिभुज क्या दिखा दे रहा था, तो सिर्फ त्रिभुज बना लेंगे समझ जाएंगे प्रिज्म में क्या है, क्योंकि अभी बार बार बनाना पड़ेगा प्रिज्म, तो बार बार इस तरह नहीं बनाएंगे, तो समझ आएंगे कि त्रिभुज बना लेंगे तो समझ जाएंगे क्या है प्रिज्म क्या है, क्या समझ जाएंगे प्रिज्म, क्या समझेंगे प्रिज्म, ठीक है ना, समझ गया। जितना तुम लोग लिखा है प्रिज्म के बारे में बता रहे, चलिए ध्यान दे, क्या पढ़ रहे थे प्रिज्म, क्या पढ़ रहे थे, तो प्रिज्म को बोले थे जिस तरह बनाए थे उस तरह नहीं बनाना, खाली त्रिभुज बना देना क्या हो जाएगा, त्रिभुज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसी को बोलेंगे प्रिज्म, क्या बोलेंगे प्रिज्म, क्या बोलेंगे प्रिज्म। अब देख प्रिज्म में कैसे कैसे मतलब प्रकाश आर पार होता है ये देखना है, कैसे प्रकाश आर पार होता है, देखें यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है नीचे, ऐसे कॉपी रखे थे तो नीचे कॉपी नहीं था तो उसको क्या बोले थे प्रिज्म का आधार, क्या बोले थे, तो ये भी नीचे है ना, इसको बोलेंगे प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार क्या हो जाएगा, जो नीचे वो आधार होता है, होता है ना। अब मैं ध्यान दे, मान लीजिए प्रकाश जा रही है प्रकाश, तो अब कहाँ, अभी है हवा में है, अब कहाँ जाएगा, ये प्रिज्म में जाएगा, प्रिज्म क्या है, कांच का बना होता है, तो कांच क्या है, ये हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, अरे हवा विरल माध्यम हुआ, कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। अब यहाँ जैसे ही एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब यानी लंब डालते हैं, तो यहाँ लंब कैसे डालेंगे, ऐसे डाल देंगे, लंब कैसे डालेंगे, लंब हो जाएगा, लम ऐसे कैसे होगा, लम जब इस तरह रहेगा सता तब ना ऐसे डालेंगे लम, लेकिन इस तरह तो ही ना, ये सूता हुआ है ना, तो लम कैसे होगा, लम होगा ये भी सूता हुआ, क्या होगा, लम भी कैसे होगा, लम इस प्रकार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लम क्या हो जाएगा, यानी इधर भी 90 डिग्री उधर भी 90 डिग्री, दोनों तरह 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा किस में, हवा से कहाँ जा रहा है, फ्रिज में जा रहा है, हवा से कहाँ यहाँ पर जा रहा है, फ्रिज में जा रहा है, तो बताइए किधर होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, जल्दी बताओ किधर मुड़ेगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये अभिलंब यही है ना, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, ये क्या है आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, आपतित किरण, तो अब ये मुड़ जाएगा किधर, इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था लेकिन सीधा जा पाएगा, सीधा जा पाएगा, ये सीधा नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि माध्यम बदल गया, माध्यम तो यह क्या होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर तो देख अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया, अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया ना, कितना मुड़ा, तो देख जाना चाहिए था ये लाइन में, लेकिन मुड़ गया किधर, अभिलंब की ओर, इतना मुड़ गया ना, इतना नहीं मुड़ा। अब यहाँ ध्यान दे, अब फिर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है, अभी ये कहाँ है, प्रिज्म के अंदर है, ये प्रकाश जो दिख रहा है ये क्या है, प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म के अंदर प्रिज्म कांच का बना होता है, कांच का बना होता है ना, तो ये कहाँ है, अभी सघन माध्यम में है, कहाँ पर है, अब ये कहाँ निकलेगा, हवा इधर तो हवा है ना, तो कहाँ निकलेगा, विरल माध्यम में निकलेगा, तो फिर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है, तो जब भी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो क्या डालते हैं, अभिलंब, क्या डालते हैं, तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा, अभिलंब, क्या डालना पड़ेगा, अभिलंब डालना पड़ेगा, तो अभिलंब डालेंगे, अभिलंब डाल देते हैं, ये क्या हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया अभिलंब को टेढ़ा क्यों डाले थे, क्योंकि यहाँ पे ये भी टेढ़ा है ना, जितना झुका रहेगा उतना झुका देगा ना, ऐसे मान लो यहाँ अभिलंब डाल दिया, क्या डाल दिए, तो इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे तो अभिलंब भी टेढ़ा हो जाएगा ना, अभिलंब टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा हो गया। अब बता ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अब ये प्रकाश अभी है सघन माध्यम में, अब जाएगा विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से कहाँ हो जाएगा, इसको जाना चाहिए था हम सीधा, जाना चाहिए था सीधा जा पाएगा नहीं, ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से दूर भाग गया, तो प्रिज्म में देख लिया कैसे प्रकाश जाता है, तो दो बार मुड़ता है, जब बाहर निकलेगा तो दो बार मुड़ेगा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, प्रकाश ये मुड़ा कितना, ये प्रकाश जो है ये प्रकाश मुड़ा कितना ये देखना, ये प्रकाश मुड़ा तो ये प्रकाश देखिए जाना चाहिए था पूरा एकदम सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कितना मुड़ गया, इतना मुड़ गया ना, तो देखिए यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे देखेंगे कितना मुड़ा है, इसको आगे बढ़ाएंगे देखेंगे कितना मुड़ा है, तो देखिए को देखेगा इधर से तो बोलेगा प्रकाश किधर से आ रहा है, तो बोलेगा इधर से आ रहा है, इधर से नहीं बोलेगा आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो कितना मुड़ गया देख रहा है, जाना चाहिए था एकदम पूरा एकदम ऐसे सीधा, लेकिन कितना मुड़ा है, डायरेक्ट एकदम इतना मुड़ गया, मुड़ा है ना, इतना मुड़ गया है, मुड़ा है, कितना मुड़ा है, इतना डायरेक्ट मुड़ गया, मुड़ा है ना, तो जो ये मुड़ा है तो यहाँ पर कौन बन रहा है, जितना मुड़ा है, जितना कौन बना के ये मुड़ गया, इतना कौन बना के ये
मुर्गिया। इस कोण को बोलेंगे क्या? इस कोण को बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन को दिक्कत है, विचलन कोण। और ये किरण ये दिख रहा है, ये यहाँ पर आपतित हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? अपवर्तित हुआ, और फिर अपवर्तित हुआ, क्या हुआ? अपवर्तित ना हुआ, तो ये बाहर निकल गया ना। तो बाहर जो निकलता है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। आया है तुम लोग को निर्गत किरण बोलते आया है, जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ अंदर गया तो अपवर्तित हुआ, ये आया तो आपतित हुआ, ये अंदर गया तो अपवर्तित किरण हो गया, या बाहर निकल गया तो निर्गत किरण, निकलने वाले किरण को निर्गत। तो देखिए आप, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच यहाँ पर इतना कोण बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? विचलन कोण। क्या बोलेंगे? यानी किरण कितना विचलन हो गया, किरण जा रहा था ये पथ में लेकिन डायरेक्ट इतना मुड़ा हुआ है, इतना मुड़ा हुआ है तो कितना किरण विचलन हुआ, कितना किरण, तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? और ये क्या है? ये तो अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। समझ आ गया तुम लोग? समझ आ गया तुम लोग को? तो बोलेगा विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन। तो क्या बोलेंगे विचलन कोण? क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, बीच के कोण ना है, आपतित किरण इधर होना चाहिए था लेकिन ना है उधर, और निर्गत किरण लगता है कोई इधर से देखेगा तो लगेगा पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों के बीच बनने वाले, तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण के, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, बीच के, बीच के कोण को निर्गत, सॉरी विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण, विचलन, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कौन कहते हैं, विचलन कोण को दिखाते हैं डेल्टास, किसे दिखाते हैं? समय आ रहा है, ऐसे कर देंगे तो ये जाएगा डेल्टा, क्या जाएगा? तुम लोग आगे पढ़ेगा नहीं तो चलो हटाओ। विचलन कौन कहते हैं? है विचलन कौन कहते हैं? है विचलन कौन कहते हैं? ये समझ गया इतना? तो आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण ये हो गया, निर्गत किरण, ये दोनों के बीच में कौन बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? विचलन कौन। क्या बोलेंगे? विचलन कौन। विचलन कौन को दिखाते हैं डेल्टा, किसे दिखाते हैं? ये हो गया डेल्टा, ये क्या हो गया? ये है डेल्टा, जो अंदर बना दिया क्या है? डेल्टा। ऐसे करेगा, ऐसे कर देगा, हो जाएगा डेल्टा, क्या हो जाएगा? किसे दिखाते हैं? डेल्टा। किसे दिखाते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं, एक चीज़ देख रहा है कि ये प्रकाश आपतित किरण आई तो किधर मुड़ा? हम नीचे, किधर मुड़ा? यहाँ नीचे मुड़ा ना अंदर गया तो, अब फिर जब बाहर निकला तो फिर नीचे ही मुड़ा, नीचे नहीं मुड़ा। इसको जाना चाहिए था ना, सीधा जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, लेकिन सीधा गया क्या? फिर मुड़ा नीचे, किधर मुड़ा? तो हमेशा किधर मुड़ता है? नीचे। किधर मुड़ता है? यानी बोल सकते हैं कि हमेशा आधार की ओर मुड़ता है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बोलता है नहीं बोल सकते हैं। इधर सीधा जाना चाहिए था लेकिन किधर मुड़ा? नीचे। किधर मुड़ा? फिर सीधा जाना चाहिए था लेकिन किधर मुड़ा? नीचे। किधर मुड़ा? तो हमेशा आधार की ओर नहीं मुड़ रहा है, हमेशा नीचे की ओर मुड़ रहा है ना। आधार कहाँ है? नीचे। कहाँ है? तो फ्रिज में हमेशा आधार की ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है? फ्रिज में किरण जाएगी तो हमेशा किधर मुड़ेगी? आधार की ओर। तो बोल सकते हैं हम क्या कि नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में लिखेंगे प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से, प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण, प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण हमेशा आधार की ओर मुड़ती है, हमेशा आधार की ओर। तो प्रिज्म से होकर जाने वाली किरण हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है, आधार की ओर मूर्ति है, मूर्ति है, है। समझ आ गया? अब यहाँ ध्यान दो, देखिए आपतित किरण को जितना झुकाएंगे, आपतित किरण को मान लें इसको और झुका दिया, आपतित किरण को हम पूरा ऐसे करके इतना पा रहा था ना, इसको और हम झुका दिए, जितना झुकाएंगे उतना बड़ा यहाँ विचलन कोण बनेगा, नहीं बनेगा? इसको मान ले इधर और झुकाएं तो इवला और ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा तो कोण भी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, होगा? तो आपतित किरण जितना झुका रहेगा, ऐसे मान ले, देखिए यहाँ तुम लोग समझ, ऐसे एक यहाँ से, ठीक है ना, एक यहाँ झुका हुआ ऐसे है और एक ऐसे है, ये तो यहाँ से लगेगा जा रहा है लेकिन ये कहाँ से लगेगा? लगेगा यहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा बड़ा कोण, ये जा रहा बनेगा ना। तो आपतित किरण जितना झुका रहेगा विचलन कोण उतना बड़ा बनेगा, विचलन कोण उतना बड़ा बनेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि आपतित किरण को झुकाने पर विचलन कोण, आपतित किरण, किरण जितना झुका रहेगा, जितना रहे, जितना झुका होगा विचलन कोण उतना ही बड़ा होगा, विचलन कोण उतना ही, विचलन कोण उतना ही
बड़ा होगा। इतना समझ आ गया? अब हो गया प्रिज्म में खत्म। अब पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। तो तुम्हें पिक्चर हम अच्छा बनाना, सफा सफा, ठीक है ना? अच्छा से हम पिक्चर बनाना है सफा से। की ओर ध्यान देना है प्रिज्म में। बताओ ज़्यादा विचलन कोई कहाँ होगा, जब पतला प्रिज्म रहेगा कि मोटा प्रिज्म रहेगा? हाँ, ज़्यादा ताकत किसको होता है, पतला आदमी मोटा आदमी के? मोटा आदमी ज़्यादा थी को देगा, छर उड़ के मोने ज़्यादा मोड़ देगा, नहीं मोड़ देगा? पतला आदमी मतलब मोड़ पाएगा? तो ज़्यादा विचलन किस में होगा, पतला प्रिज में कि मोटा प्रिज में? ज़्यादा बड़ा कौन किस में बना है, पतला प्रिज में कि मोटा प्रिज में? तो बड़ा कौन किस में बना है, मोटा में किस में बन रहा है? तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रिज का कौन, क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं अपवर्तक कौन, क्या बोलते हैं? जो ऊपर में कौन नहीं बन रहा था, सर के दिखाए थे ना, तो ऊपर जो कौन बन रहा था ना, तो अपवर्तक कौन इसी को बोलते हैं, या बोलते हैं प्रिज्म का कौन? प्रिज्म का यानी प्रिज्म अपवर्तक कौन या प्रिज्म कौन बड़ा होगा तो विचलन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अपवर्तक कौन या प्रिज्म का कौन छोटा होगा तो विचलन भी क्या होगा, कम होगा। विचलन भी क्या होगा, समझ गया तुम लोग? ऐसा समझ लेना, मोटा आदमी पतला आदमी समझ आ जाएगा, समझा? तो नोट में क्या ले सकते हैं, नोट में ले सकता है कि अपवर्तक कौन, अपवर्तक, अपवर्तक कौन यानी यहाँ जो कौन बन रहा है, समझा रहा है ना? अपवर्तक कौन या इसी को बोलते हैं क्या, प्रिज्म का कौन, क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कौन, प्रिज्म का कौन जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा विचलन उतना अधिक होगा, जितना अधिक होगा विचलन उतना अधिक होगा, विचलन उतना अधिक होगा, समझ गया? अब मिटाएं ये वाला। अब पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस। चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? तो दर्पण हम पढ़ चुके थे। दर्पण बताया कि दर्पण कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार बताए थे। दर्पण कितना प्रकार का, कौन कौन? समतल, अवतल, उत्तल। समतल, अवतल, उत्तल, तीन प्रकार बताए थे। लेकिन बताए थे कि गोलीय दर्पण जो गोला से बना था, जो गोला से, तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, दो बताए। कितना बताए थे? दो। कितना बताए थे? दो। कौन बताए थे? एक उत्तल, एक अवतल। एक उत्तल, तो यहाँ पढ़ेंगे लेंस। तो यहाँ लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होगा। कितना होगा? लेंस समतल तो नहीं होगा, लेंस समतल लेंस नहीं होता है, इन्हें बोलना समतल लेंस। समतल लेंस नहीं होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है समतल लेंस। होता है नहीं, समतल लेंस नहीं होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार, एक उत्तल लेंस, एक। तो पहले समझते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दे, उत्तल लेंस कैसे होगा, तो उसे उत्तल, उसे उठा हुआ, उसे। तो देखो इसका इधर इधर का सतह भी उठा हुआ है, इधर का सतह भी क्या है, उठा हुआ है। और अब उसे अवतल, उसे अंदर, उसे अंदर। तो देखो इसका सतह इधर भी अंदर है, इधर भी क्या है, अंदर है, अंदर है। तो जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यही ना, परावर्तक सतह समझता है, जिससे होकर किरण जाएगी, किरण इसी से होकर जाएगी, जाएगी ना, इसी से होकर नहीं जाएगी। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, क्या हो, उठा हुआ हो, उसे कहें, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? या उत्तल लेंस में क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस में बोलेंगे, देखिए यहाँ यहाँ पतला है, बीच में मोटा है ना। तो जिसका वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसके किनारे के अपेक्षा, किनारे के बीच में मोटा हो, बीच में मोटा, उसे उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ यहीं पर मोटा है, किनारे में क्या है, मोटा है, किनारे में क्या है, और बीच में क्या है, पतला। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा होगा वैसा लेंस, वैसा जिसमें किनारे की अपेक्षा, किनारे की बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। समझा तुम लोग? बोल सकता है, बोल सकता है तुम लोग? तो पहले समझते हैं लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद अवतल उत्तल देखेंगे। लेंस किसे, तो ये क्या हुआ, ये हो गया उत्तल लेंस हो गया, और ये क्या हुआ अवतल लेंस, क्या हो गया अवतल लेंस। तो ये जो लेंस जानता है तुम लोग, लेंस बनता है पारदर्शी पदार्थ से, क्योंकि उससे प्रकाश पार होना है, क्या है, पार होना है। तो लेंस देखिए इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोला ना हो जाएगा। आई यार इसको बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तुम लोग ज्यामिति में पढ़ाया क्या, ज्यामिति में पढ़ता है क्या, ज्यामिति में पढ़ता है त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, गोला के बारे में, वृत्त के बारे में, बेलन, शंकु, ये सब क्या आता है त्रिभुज में, किसमें आता है? तो ये भी गोला बन रहा है ना, तो ये क्या है, ज्यामितीय आकार हो गया ये।
ज्यामिति हो गया ना, ज्यामिति पढ़ते गोला शंकु बेलन घन घना ये सब क्या है, गोला अथी ज्यामिति भाग किसके भाग है, ज्यामिति तो गोला है तो ये भी क्या है ज्यामिति भाग है, ज्यामिति भाग ना है, अभी गोला है तो क्या है ज्यामिति भाग है, तो गोला को इधर काट के निकाल देंगे, गोला को इधर काट के निकाल देंगे तो क्या बन जाता है उत्तल लेंस बन गया, तो किससे बना गोले से बना था, अब गोला क्या है ज्यामिति का भाग होता है ज्यामिति का, और ये क्या होना चाहिए पारदर्शी, क्या होना चाहिए पारदर्शी, क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए पारदर्शी, तो पूछा कि तो पूछेगा जैसे देख यहाँ पे पूछेगा क्या बताओ तुम लोग की लेंस किसे कहते हैं लेंस, लेंस तो क्या बोलेंगे दो ज्यामितीय सतह से, दो ज्यामितीय या बोलेंगे क्या, या बोलेंगे लेंस क्या है, तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, पारदर्शी पदार्थ का अच्छा जो गोला लेंगे पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए ना, एक गोला इधर लिए तो ये भी पारदर्शी, एक गोला इधर लिए तो ये भी, अब इधर काट के निकाल देंगे और इधर काट के निकाल देंगे, निकाल दिए तो क्या बोलेंगे लेंस क्या है, तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, टुकड़े ना काट के निकाले जो टुकड़े हैं ना, तो लेंस क्या है, तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह, एक निश्चित इधर और एक इधर, तो जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ है, अवतल लेंस की अगर बात करें तो अवतल लेंस ध्यान दे है यहाँ पर, इसको गोल करेंगे तो एक गोला इधर हो गया, एक ज्यामितीय सतह इधर हुआ, इधर गोल करेंगे तो एक गोला इधर हुआ, एक ज्यामितीय सतह इधर हुआ, इससे घिरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, पारदर्शी होना चाहिए ना, तो पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है, इसको हटा देंगे इधर काट के तो एक टुकड़ा इधर हो गया, इसको हटा देंगे तो टुकड़ा इधर हो गया, तो पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है, पारदर्शी पदार्थ का जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह, एक सतह इधर और एक सतह इधर, तो जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, घिरा होता है, तो बोल देंगे तो लेंस में क्या बोलेंगे, लेंस में बोलेंगे कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है, पारदर्शी पदार्थ का लेंस पारदर्शी पदार्थ का पारदर्शी ज्यामितीय पदार्थ बोलेंगे, क्योंकि ज्यामिति में आता है ना, ज्यामिति समझ रहे हैं, ज्यामिति में ठो जो पढ़ते हैं बेलन गोला शंकु घन घना त्रिभुज सब क्या है, सब ज्यामिति में आता है, किस में आता है, तो ये गोला है तो ये ज्यामिति में आएगा, तो लेंस पारदर्शी ज्यामिति पदार्थ का, नहीं तो यहाँ बोले पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है, पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा टुकड़ा है जो द्वितीय चिचन गिरा है, जो दो निश्चित निश्चित ज्यामितीय सतह, ज्यामिति है तो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं लेंस, क्या कहते हैं लेंस, उसे क्या कहते हैं, तो लेंस समझ आ गया, लेंस पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है, क्योंकि पारदर्शी होना चाहिए, तो पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, क्या होता है, अब लेंस होता है दो प्रकार, कितना प्रकार का होता है लेंस, मुख्यतः होता है दो प्रकार, कितना प्रकार का, एक होता है उत्तल लेंस, एक होगा अवतल लेंस, तो लेंस कितना होता है दो प्रकार का होता है, मुख्यतः कितना होता है, तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होगा कौन उत्तल लेंस और एक होगा अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस उत्तल लेंस उत्तर लेंस और एक होगा अवतल लेंस, क्या होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस कैसे होगा, तो इसका बीच में मोटा किनारे में पतला, बीच में मोटा किनारे में तो ये हो गया उत्तल लेंस, क्या हो गया उत्तल लेंस, क्या हो गया, ऐसा कोई आदमी रहता है सब पेट निकल जाता है तो बीच में मोटा ना हो जाता है और किनारे पतले रहता है, अरे वो क्या हो गया उत्तल लेंस, क्या हो गया, और जो जिम उम करेगा रहता है, जो जिम उम करता है सब उसका बीच में पतला होता होता है ना, पेट उसका नाम सुकड़ा रहेगा लेकिन छाती निकला रहेगा, रहता है निकला, तो उसका क्या होगा, उसका बीच में पतला हो गया और किनारे में क्या होता है मोटा होता है, तो वो क्या हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, समझ गया, तो जो जिसका पेट निकल गया कौन लेंस, और जो जिम उम करता सब पेट अंदर रहता है वो कौन जाएगा अवतल लेंस, क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे वैसा लेंस, वैसा जिसका किनारे की अपेक्षा, किनारे की बीच में मोटा हो वह लेंस उत्तल लेंस कहलाएगा, और वैसा लेंस जो जो किनारे की अपेक्षा, किनारे की बीच में पतला हो उसे क्या कहेंगे अवतल लेंस, बोल सकता है, तो लिख देते इसका परिभाषा, इसका उत्तल लेंस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसा लेंस, वैसा वैसा लेंस, वैसा वैसा लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा, किनारे के अपेक्षा बीच वाला भाग मोटा हो, बीच वाला भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ये समझ आ गया, तो अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो वैसा लेंस, वैसा लेंस, ब्लू वाला कहाँ चल गया,
वैसा लेंस, वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा, पिक्चर दिख रहा है ना, जो किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग पतला हो, बीच वाला भाग भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। है, कोई दिक्कत है? अब देखिए उत्तल लेंस को, लेंस कितना दो प्रकार का हो गया। अब उत्तल लेंस को हम बांट देंगे तीन भाग में, कितना भाग में बांट देंगे, तीन भाग में। और अवतल लेंस को भी कितना भाग में बांट देंगे, तीन भाग में। कितना भाग में बांटेंगे, तीन भाग में। देखिए उत्तल लेंस तो एगो मेन लेंस तो यही हो गया, उत्तल लेंस मेन यही हो गया ना, मेन तो यही होगा, जो मेन हो गया उसको बना दे, ये हो गया मेन, ये क्या हो गया मेन। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी से क्या करेंगे, दूसरा लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान दें। इसका हम एक भाग ले लेंगे, ये वाला एक भाग ले लिए, एक भाग ये लिए और एक भाग को कर दिए समतल, एक भाग को क्या कर दिए समतल, क्या कर दिए, तो एक लेंस ये बन गया। उत्तल लेंस ने बनाइए खाली इसको क्या कर दिए समतल कर दिए, क्या कर दिए, एक भाग उत्तल है और एक को क्या कर दिए समतल, क्या कर दिए समतल। अभी क्या करेंगे, एक भाग को उत्तल रहने देंगे और एक भाग को क्या करेंगे धसा देंगे, क्या करेंगे चांद जैसा बना देंगे, चांद देखते हैं ना, ईद के चांद। तो ये हो गया उत्तल, ये क्या है उत्तल, ये क्या है, क्योंकि ये उठा हुआ है और ये अंदर धसा हुआ है ना, तो अंदर रहता है अवतल, ये क्या हो गया अवतल, ये क्या हो गया। अब इसका नाम लिखा था, ये क्या जगह, ये हो जाएगा क्या है, देखा इसका इधर भी उठा हुआ है इधर भी उठा हुआ है, तो मेन उत्तल लेंस यही है, मेन उत्तल लेंस, इसको क्या बोलेंगे उत्तल लेंस, क्या बोलेंगे उत्तल लेंस। या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम होगा कि इधर भी उठा हुआ है इधर भी उठा हुआ है, दोनों तरफ उठा हुआ है, इस तो दोनों जब दुग होता है तो उसको बोलते हैं उभय, उभय मतलब दो होता है, पता है तुम लोग को, तुम लोग को पढ़ाए थे उभय विस्थापन विक्रिया पढ़ाए थे, तो उभय मतलब दो, उभय मतलब तो इसका इधर भी उत्तल है इधर भी उठा हुआ है इधर भी उत्तल, इधर भी उठा हुआ है इधर भी उत्तल, इस इधर से भी उठल इधर से भी, तो दोनों तरफ उठा लेना, इसको बोलेंगे उभय, क्या बोलेंगे उभय प्लस उत्तल, उभय प्लस उत्तल, तो क्या हो जाएगा। आप ध्यान दें, तुम लोग संधि विच्छेद पढ़ा है कि ऊ बोला जाता है ओ में, किसमें बोला जाता है, तो हो जाएगा क्या उभयोत्तल, क्या हो जाएगा उभयोत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उभयोत्तल, और उभयोत्तल लेंस ही मेन लेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उभय प्लस उत्तल बराबर उभयोत्तल लेंस, क्या तो ऊ बोला जाता है ओ में, किसमें बोला जाता है, याद रखना जब भी ऊ जुटेगा तो किसमें बदल जाएगा, वो ऊ बदल जाएगा, तो देखो ओ में बदल गया ना। अब इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम तो यहाँ समतल है, तो ये हो जाएगा समतल, समतल प्लस, समतल प्लस, तो इधर समतल है और इधर उठा हुआ है, इधर से देखेंगे तो उठा हुआ है, तो इधर हो गया उत्तल, क्या हो गया उत्तल, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इधर से समतल, इधर से हो जाएगा समतल, ऊ बदल जाएगा ओ में, संधि विच्छेद जानता है, संधि विच्छेद पड़ेगा तो ऊ बदल जाता है ओ में, किसमें बदल जाता है, तो समतोलोत्तल लेंस, समतो समतलोत्तल लेंस, समतल उत्तल, या बोलेंगे तो समतल उत्तल लेंस, समतल। अब यहाँ ध्यान दें, ये क्या है, इधर है अवतल, इधर क्या है, इधर क्या है अवतल, इधर क्या है अवतल, इधर क्या है उत्तल, क्या है ये क्या बनेगा, दिखाई दे रहा है, देखना थोड़ा, ये अवतलो अवतलोत्तर, क्या बन जाएगा अवतलोत्तर लेंस, क्या बन जाएगा, इधर से अवतल आ बदल जाएगा ओ में, ओ बदल जाएगा तो अवतलोत्तर लेंस, समझ गया, जिसको तीन भाई बांट दिए इस प्रकार इसको भी तीन भाई बांट देते हैं, मेन लेंस तो मेरा यही है, मेन लेंस क्या है यही है, लेकिन इसको बांट देते हैं तीन भाग में, कितना भाग बांटेंगे तीन भाग में, कितना भाग बांटेंगे तीन भाग में, तो मेन तो वही है जो जो बना हुआ वही तो मेन हो जाएगा, इसके क्या नाम देंगे, एक तो यही मेन हो गया, यही हो गया ना, इसका देख इधर भी अंदर है इधर भी अंदर है, इधर हो गया अवतल, इधर से भी अंदर है इधर भी अंदर, दोनों तरफ अंदर है ना, इसको ये तो मेन हो गया अवतल लेंस, इसको बोल सकते हैं अवतल, अवतल लेंस, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होगा, इधर भी अवतल इधर भी अवतल इधर भी अवतल इधर भी, इसका क्या होगा उभय, दोनों तरफ है ना, तो बोल देंगे उभय, क्या बोल देंगे, इधर भी अवतल इधर भी अवतल इधर भी अवतल उधर भी, तो उभया उत्तल, क्या बोलेंगे उभया अवतल लेंस, उभया। अब ध्यान तुम्हें संधि विच्छेद पड़ेगा तो जब देखा संधि विच्छेद में क्या होता है, उभय प्लस अवतल, उभय प्लस, क्योंकि इधर भी उभय इधर भी उभय, तो उभय दे दिए और दोनों तरफ है अवतल, दोनों तरफ है, तो ओ बदल जाता है आ में, ओ बदलता है, संधि विच्छेद पड़ेगा तो उसमें बताएंगे कि ओ बदलता है किसमें, तो देखो ओ बदल गया आ में, हो गया उभया अवतल, तो अवतल लेंस जो मेन है उसी को बोलते हैं उभया अवतल लेंस, और उभया अवतल लेंस ही मेन लेंस होता है, मेन अवतल लेंस होता है, बार बार पढ़ेंगे इसके बारे में, बार बार पढ़ेंगे इसमें, बार बार इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बार बार किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, क्योंकि मेन तो यही है ना। अब यहाँ नाम इसको और बनाते हैं, अब एक भाग को करते समतल, क्या करते हैं एक भाग को क्या करते हैं, तो कैसे हो जाएगा इस प्रकार,
इस प्रकार हो जाएगा ना। इधर तो ये वाला तो ठीक है था, ठीक है था ना, इसको क्या क्या कर दिया समतल, क्या कर दिया इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा दिखाई देगा ये वाला, देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, ये क्या है समतल, ये क्या है समतल, ये क्या है और इधर क्या है अवतल, इधर क्या है तो समतल प्लस अवतल, समतल प्लस तो क्या हो जाएगा सम सम, वो बदल जाएगा आ में, वो बदल जाएगा तो समतलावतल, समतला की जगह समतलावतल लें, समतलावतल लें, समतलावतल लें, समतला, समझ आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, इसको तो इधर इधर आने देते हैं, ठीक है, आ इधर वाला क्या करते हैं, इधर वाला भाग को क्या करते हैं, इधर वाला भाग को भी धसा देते हैं, यहाँ ध्यान दे, उठा देते हैं, उठा देते हैं, इधर वाला भाग को क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दे, थोड़ा अच्छा ध्यान दे, यहाँ इधर ऐसे रहने दिए, इसको ऐसे किए, ठीक है ना, आइए इसको फिर हम क्या किए उठा दिए, क्या किए उठा दिए, तो यहाँ ध्यान दे, इधर से देखेंगे तो क्या उठा हुआ है, इधर से देखेंगे तो क्या उठा हुआ है, इधर हो गया उत्तर, इधर क्या हो गया, यहाँ ध्यान दे, इधर से देख रहे तो उठा हुआ है, इधर हो गया उत्तर, इधर क्या हो गया उत्तल, लेकिन इधर से देख रहे तो क्या धसा हुआ है, इधर हो गया अवतल, क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल, तो क्या हो जाएगा उत्तलावतल, क्या हो जाएगा ये उत्तलावतल, उत्तला ऊ बदल जाएगा किसमें आ में, और वो तोलो, वो तोलो, तो उत्तलावतल, समझ आ गया, तो अब देखें अवतल लेंस को भी तीन माया बांट दिए, उत्तर लेंस को भी तीन माया बांट दिए, लेकिन पढ़ना मेन किसको है, इसको आप मेन किसको पढ़ना है, इसको समझ रहा है ना, क्योंकि मेन है यही, मेन है यही, तो ये लिखा अभी दोनों बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जल्दी कर, यहाँ ध्यान दे, हम लोग दर्पण पढ़े थे ना, दर्पण में पढ़े थे वकर्ताखंड पढ़े थे, तो यहाँ भी पढ़ना है वकर्ताखंड, क्या पढ़ना है वकर्ताखंड, दर्पण में कितना वकर्ताखंड पढ़े थे, एक पढ़े थे, यहाँ दो पढ़ना है, क्यों, क्योंकि दर्पण हम खाली ऐसे पढ़ते थे, ऐसे नहीं पढ़ते थे, तो एक होता था लेकिन इसमें दो गो हो जाता है, कितना होता है, तो एक इधर बनेगा, एक ठो इधर बनेगा, तो दर्पण में एक वकर्ताखंड पढ़े थे, यहाँ दो पढ़ना है, क्योंकि दर्पण में एक सतह होता था, यहाँ कितना सतह होता है, दो सौ, दर्पण में सतह होता था, एक कितना होता था, दर्पण में से पढ़ते थे, कितना सतह होता था, एक कितना होता था, एक होता था, लेकिन लेंस में कितना सतह होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, दो सतह होता है ना, तो दर्पण में पढ़े थे एक वकर्ता केंद्र, लेंस से पढ़ना है दो वकर्ता केंद्र, दर्पण में पढ़े थे एक फोकस, लेंस से पढ़ना है दो फोकस, कितना पढ़ना है दो फोकस, समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पर अब देखते हैं, अब यहाँ ध्यान दे, जो हम जो पढ़े थे, जो पढ़े थे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में पढ़े थे ना कि छः प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, छः प्रकार का पढ़े थे ना, अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे, छः प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसमें सब तरह का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा बराबर उल्टा सीधा आभासी वास्तविक, दर्पण के पीछे दर्पण के आगे सब पढ़े थे ना, तो जो पढ़े थे अवतल दर्पण में वही याद रखना पड़ेंगे उत्तल लेंस में, क्या पढ़ेंगे, समझ आ रहा है ना, यानी अवतल दर्पण में जो पढ़े थे उस सब पढ़ना है क्या उत्तल लेंस में, यानी अवतल दर्पण क्या था ऑलराउंडर, सब तरह प्रतिबिंब बनाता था, ये ऑलराउंडर नहीं था, बड़ा छोटा बराबर आगे पीछे आभासी उल्टा सब बनाता था ना, तो यहाँ पर कौन सब बनाएगा, यहाँ बनाएगा उत्तल लेंस, क्या बनाएगा, और वहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक प्रकार का प्रतिबिंब बनाता था, तो यहाँ पर कौन बनाएगा एक प्रकार का प्रतिबिंब, तो यहाँ बनाएगा अवतल, कौन बनाएगा, यानी जब दर्पण पढ़ लेते बहुत काफ़ी ईजी हो जाएगा, समझ रहा है ना, वहाँ जो पढ़े थे अवतल में यहाँ पढ़ेंगे उत्तल में, वहाँ जो पढ़े थे उत्तल में एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर अवतल में एक प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, समझ आ रहा है ना, अब यहाँ ध्यान दे, तो वह करता केंद्र, वो करता वहाँ भी पढ़े थे मुख्य कष्ट, यहाँ भी होगा मुख्य खर्च, क्या होगा मुख्य खर्च, क्या होगा, जैसे हम बनाते हैं ये क्या है उत्तल लेंस, ये क्या है एक बना दिया यहाँ पर उत्तल लेंस, ये क्या है उत्तल लेंस, ये क्या होगा उत्तल लेंस, क्या हो गया, तो इसको अगर गोल करेंगे इधर इधर गोल करेंगे तो ये कौन चीज़ गोला हो जाएगा, तो इसका भी कहीं केंद्र होगा ना होगा केंद्र, अगर इसको हम इधर गोल किए इधर भी गोल होगा ना, तो इसका भी कहीं केंद्र होगा, इसका भी कहीं केंद्र ना होगा, इसको मान लें यहाँ, ठीक है ना, तो इसका भी कहीं केंद्र होगा, तो जो जो गोला के जो केंद्र होगा उसी को बोलते हैं वकर्ता केंद्र, क्या बोलते हैं वकर्ता केंद्र, क्या बोलते हैं, तो इधर भी एक गोला बना ना, तो इधर भी इसका एक केंद्र होगा, केंद्र ना होता है वृत्त में केंद्र होता है ना, उसमें कहा इधर भी एक गोला बना, इधर भी केंद्र हुआ, तो केंद्र को ही बोलते हैं वकर्ता केंद्र, क्या बोलते हैं, और वकर्ता केंद्र को मिलाने वाले, वकर्ता केंद्र को, वकर्ता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, यानी वकर्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वकर्ता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो गया मेरा मुख्य अक्ष, क्या हो गया मुख्य अक्ष, समझ आया तुम लोग को, उसी प्रकार अवतल में हो जाएगा, अवतल में ना होगा, अवतल में भी इधर गोल होगा, किधर गोल हो रहा है, पीछे की ओर, यहाँ ध्यान दे, अवतल में किधर गोल होगा, इधर गोल होगा, इधर गोल होगा, इसका कहीं केंद्र होगा ना, केंद्र होगा इसका, इसी प्रकार ये किधर गोल होगा, इधर गोल होगा,
तुम लोग मिलाने देना, मेरा मिल गया तो दोनों काट दिया, समझ रहा है ना। इसका इसका भी कहीं केंद्र होगा, तो यही जो गोला के जो केंद्र होता है उसी को बोलते वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं। और इससे होकर गुजरने वाले रेखा को, इससे होकर गुजरने वाले यानी वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर वो करता है दर्पण में, तुमको पढ़ाया था कि दर्पण में वो करता है इनको सिर से निकल करते, कैसे करते हैं सिर से, कैसे करते हैं, तो दर्पण में वो करता है इनको किससे निकल करते हैं सिर से, कैसे करते थे। लेकिन यहाँ सिर से नहीं करना, यहाँ करेंगे टू एफ से, कैसे करेंगे टू एफ से, टू दर्पण में वो करता है इनको हम इंडिकेट करते थे सी से, याद है तुम लोग को, याद है। लेकिन यहाँ यहाँ पर इंडिकेट करेंगे वो करता है इनको टू एफ से, टू एफ का मतलब हुआ कि फोकस दूरी के दुगना दूरी, फोकस दूरी के तुम्हें जानता है ना कि फोकस के दुगना दूरी पर वो करता केंद्र होता है। तुम लोग दर्पण पढ़ाए थे, इस पर पढ़ाए थे, यहाँ क्या होता था फोकस क्या होता था, और उसका दुगना दूरी पर क्या होता था वो करता केंद्र होता था। तुम लोग को दर्पण पढ़ाए थे ना, तो यहाँ होता था फोकस, यहाँ होता था और उसके दुगना दूरी पर, उसके दुगना दूरी पर करता केंद्र होता था। तो इसको हम टू एफ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दर्पण में जहाँ लिखते थे सी, यहाँ लिखेंगे टू एफ, क्या लिखेंगे, तो इसके बीच में क्या होगा एफ होगा, तब नहीं यहाँ टू एफ होगा ना, होगा इधर पर जब ये टू एफ है तो इसका बीच में क्या होगा एफ होगा, यानी फोकस होगा, क्या होगा फोकस। तो दो को करता केंद्र हो गया और दो को फोकस हो गया। अब बात आ रहा है कि मेन फोकस इसको बोलेंगे, मेन फोकस इसको बोलेंगे कि मेन फोकस इसको बोलेंगे, दो को है ना, तो मुख्य कौन होगा, मेन कौन होगा, मेन, तो मेन आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गया। यहाँ पर उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे टू एफ, क्या बोलेंगे वो करता केंद्र को ही, क्या बोलेंगे वो करता केंद्र को ही बोलते हैं टू एफ, वो करता केंद्र को ही बोलते हैं टू एफ। दर्पण में बोलते थे सी, यहाँ बोलते हैं टू एफ, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ भी वो करता केंद्र है तो सी, सी यानी टू एफ, सी यानी, और इसका बीच जो होगा वो क्या होगा एफ होगा, इसका बीच जो होगा वो क्या होगा एफ, क्या होगा, समझ आ गया तुम लोग को, समझ आ गया ना। अब यानी बना दिए ऐसे कर दिए, तो इसका जो केंद्र होगा वो हो जाएगा टू एफ, क्या हो जाएगा, और यहाँ जो फोकस होगा वो हो जाएगा एफ, उसी प्रकार इधर भी केंद्र होगा टू एफ, यहाँ जो फोकस हो गया वो, और ये रेखा हो गया क्या हो गया मुख्य अक्ष, क्या हो गया, और टू एफ के इधर वाला। तो दर्पण में तुम लोग पढ़ाए थे ना कि इधर यहाँ एफ है, यहाँ क्या है सी, क्या है इसका दुगना दूरी को सी बोलते हैं, या सी को यहाँ क्या बोल रहे हैं टू एफ, क्या बोल रहे हैं, इधर को बोलते थे अनंत बोलते थे, इधर भी जो बचे हो क्या होगा अनंत, इधर भी जो बचे हो क्या होगा अनंत होगा। सर दर्पण से बता रहे हैं, दर्पण जो पढ़ाए थे वही बता रहे हैं, खाली सी के यहाँ पर आ गया टू एफ, क्या हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर होगा अवतल लेंस में हो जाएगा ना, होगा अवतल लेंस में होगा, यहाँ पर गोल जहाँ पर होगा यहाँ पर जगह इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को ही बोलते हैं टू एफ, क्या बोलते हैं, और उसका बीच वाला बिंदु को फोकस बोलेंगे एफ बोलेंगे। इधर गोल होगा तो जहाँ पर इसका केंद्र होगा उसको क्या होगा टू एफ, क्या होगा टू एफ, इसका बीच वाला बिंदु क्या होगा एफ, इधर जो बचा है वो क्या हो जाएगा अनंत, इधर जो चल गया क्या हो गया अनंत, समझ आया तुम लोग को, हाँ अनंत को यानी आठ जब खड़ा है तो ये आठ हो जाएगा, आठ को जब सुता देंगे तो हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएंगे, तो आठ को सुता देंगे तो क्या हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा आठ के सुता दे या बाजार दे कुछ करना है कर दे तो अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो समझ गया तुम लोग, समझ गया। तो कहेगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष तो वो कहता केंद्र को, वो कहता केंद्र से लेंस के, वो कहता केंद्र से गुजरने वाले रेखा को, लेंस के वो कहता केंद्र से गुजरने वाले रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण भी बताए थे तुम लोग को लेंस के वो कहता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब यहाँ ध्यान दे, अब इसको मुख्य फोकस इसको कहेंगे कि मुख्य फोकस इसको कहेंगे। तो तुम लोग को पढ़ाए थे दर्पण में कि जब इस किरण समांतर आती है तो फोकस से जाती है, पढ़ाए थे दर्पण में पढ़ाए थे, तो यहाँ भी समांतर आएगी फोकस से, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। अब बताए किधर मुड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हैं, क्या है प्रिज्म की तरह है, एक प्रिज्म की तरह इधर है प्रिज्म की तरह, तो प्रिज्म हमेशा किधर मुड़ता है आधार की ओर, किधर मुड़ता है आधार की ओर, तो नीचे मुड़ेगा ही, ये किधर मुड़ेगा किरण, नीचे मुड़ेगा, इस तरह मुड़ेगा ना। अच्छा यहाँ जाएगा प्रकाश तो किधर मुड़ेगा, तो नीचे मुड़ेगा ऊपर मुड़ेगा, तो आधार इसका कहाँ है, जहाँ चौड़ा है वहीं आधार है, आधार कहाँ है, जहाँ चौड़ा है जहाँ मोटा है वही आधार, कहाँ है तो मोटा बीच में है ना, टीवी कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा यानी नीचे से किरण जाएगा तो ऊपर मुड़ जाएगा, ऊपर से किरण आएगा तो क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका आधार कहाँ है, तो बीच में, आधार कहाँ है बीच में, आधार कहाँ है, तो जब भी दर्पण से क्या बोल रहे हैं सॉरी लेंस से, जब भी लेंस से प्रकाश जाएगी तो हमेशा आधार की ओर मुड़ेगी, आधार की ओर मुड़ेगी। उत्तल लेंस का आधार कहाँ है, तो जहाँ मोटा है वही आधार है, जहाँ मोटा है इसका आधार कहाँ है बीच में, कहाँ है तो उत्तल लेंस का आधार बीच में, उत्तल लेंस का आधार। अब बताओ अवतल लेंस का आधार कहाँ होगा, तो देखो यहाँ मोटा कहाँ है, ऊपर मोटा है ना, तो जो ऊपर से जाएगा ऊपर भाग जाएगा, भाग जाएगा, और जो नीचे जाएगा वो नीचे भाग जाएगा, क्योंकि इसका आधार कहाँ है इधर है, मोटा इधर है ना, जिसका मोटा वाला भाग इधर है तो नीचे भाग गया, नीचे खींच लिया, जो मोटा जा रहा है वो खींच लिया अपना और खींच लिया ना, और इसका इधर से जो गया तो मोटा कहाँ है बीच में कि यहाँ है
यहाँ पे मोटा है तो ये ज्यादा मोटा था अपना ताकत लगा अपना और खींच लिया ने। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर मोटा कहाँ है, नीचे मोटा है तो ज्यादा मोटा था किधर खींच लिया, नीचे किधर खींच लिया, यहाँ से जा रहा है तो मोटा कहाँ है, बीच में है, ज्यादा मोटा था तो किधर खींच लिया, ऊपर किधर खींच लिया, तो समझ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किरण को फैलाता है, किरण को नहीं फैला रहा है, इतना पर आ रहा था इसको फैला कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, फैला दिया तो किरण को फैला रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फैलाने वाला, बोलते हैं क्या अपसारी, पढ़ाए थे अपसारी किरण पर पढ़ाए थे, जो किरणों को फैलाता है उसको क्या बोलते हैं अपसारी, क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो अवतल लेंस है क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस, क्या हो जाएगा अपसारी लेंस, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस, क्या हो जाएगा अपसारी लेंस, अपसारी अपसारी लेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किरणों को फैला रहा है, किरणों को और ये क्या कर रहा है, किरण को फैला रहा है कि मिला रहा है, कहाँ मिला रहा है, फोकस पर, कहाँ मिला रहा है, फोकस पर, ये किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है, तो उत्तल लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा अभिसारी लेंस, कौन हो जाएगा अभिसारी लेंस, समझ आ रहा है तुम लोग को, अभिसारी लेंस कहेगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो बोला क्योंकि ये किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाने का इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तुम लोग दर्पण पढ़ाए थे, कौन दर्पण अभिसारी था, कौन सा अभिसारी था, बता दो, कौन दर्पण अभिसारी था, दर्पण में कौन फैलाता था, जल्दी बता, तो दर्पण में कौन फैलाता था, उत्तर की अवतल, उत्तल फैलाता था दर्पण में, तो दर्पण में उत्तल हो गया कौन, उत्तल दर्पण हो गया कौन, अपसारी कौन हो गया, और कौन सुकराता था, मतलब कौन मिलाता था, तो अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण मिलाने का काम करता था, अवतल दर्पण एक बिंदु पर मिलाने का काम करता था, इसलिए अवतल दर्पण क्या बोले थे अभिसारी, क्या बोले थे, दर्पण में उल्टा था, यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा ना हो गया, समझ आ रहा तुम लोग को, तो बोलेगा कि बताओ उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते थे, बता देगा ने, तो अभिसारी लेंस तो लिखना है चूंकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और दर्पण में जाएगा अवतल दर्पण में कौन, सब दोनों कंपेरिजन कर, यहाँ पर उत्तल लेंस हो रहा है, वहाँ क्या जाएगा अवतल दर्पण, क्या जाएगा, बताए थे ना कि जो उत्तल में पढ़ेंगे वो अवतल, बताए थे ना यहाँ पर जो अवतल दर्पण में पढ़े थे वो पढ़ेंगे उत्तल लेंस में, क्या पढ़ेंगे, और जो वहाँ पढ़े थे उत्तल दर्पण में यहाँ पढ़ेंगे अवतल लेंस में, यानी उल्टा, जो पढ़े थे अवतल दर्पण में यहाँ पढ़ेंगे उत्तल लेंस में, और जो वहाँ पढ़े थे उत्तल लेंस में दर्पण में यहाँ पढ़ेंगे अवतल लेंस में, क्या पढ़ेंगे अवतल लेंस में, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। समांतर आई फोकस से गई तो मिला दिया नहीं बिंदु पर, ये समांतर आया तो फैल गया, क्या हुआ बताइए, फोकस से मिला तो ये जब इसको पीछे बढ़ाएंगे ना तो लगेगा फोकस से होकर जा रहा है, जब इधर से कोई देखेगा इधर से तो कहेगा कि इधर से आ रहा है प्रकाश, ये बोलेगा इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कहाँ पर से आ रहा है, फोकस से होते जा रहा है, फोकस से होते ये फोकस से जा रहा है क्या, फोकस से जा रहा है क्या, नहीं तो लेकिन इसको लगेगा कि फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से जाता हुआ इसमें वास्तव में जा रहा है, इसमें जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, लिखना है चूंकि अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, फैला रहा है ना, किरणों को फैलाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। अब तुम ध्यान दे, फोकस एक यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है, तो मुख्य फोकस इसको बोलेंगे, मेन फोकस ये है इसमें, मेन फोकस कौन है, क्यों है, तो जहाँ पर किरण मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको बोलेंगे मेन फोकस, क्या बोलेंगे, जहाँ पर किरण मिलेगा या मिलता हुआ उसको क्या बोलेंगे, मेन फोकस। तो मेन फोकस कौन होगा, ये वाला होगा क्योंकि किरण यहाँ पर मिल रहा है ना, तो मेन फोकस को बोलते हैं टू, क्या बोलते हैं मेन फोकस में लिखना है टू, क्या लिखना है, तो हो गया एफ टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू एफ टू ना हो जाएगा, इसी के लिए दुगना है, इधर क्या हो जाएगा, जब इधर टू है तो इधर क्या हो जाएगा, वन ना हो जाएगा, समझ आ गया, अब बताइए इसमें टू कहाँ दें, यहाँ टू दें कि यहाँ टू दें,
क्या है यहाँ कि यहाँ तो बताते हैं जहाँ पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ पर मिलता है या मिलता हुआ, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। हाँ तो बताए थे जहाँ मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा वही मुख फोकस होगा, वही मुख फोकस। तो यहाँ पर मिल रहा है क्या या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है क्या? नहीं, तो मिलता हुआ प्रतीत यहाँ हो रहा है। तो मेन होगा ई कि मेन होगा ई? मेन हो जाएगा ई। तो यहाँ ध्यान दे, उत्तर लेंस में मेन फोकस किधर होता है? इधर राइट साइड। और अवतल लेंस में फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड। किधर होता है? लेफ्ट साइड। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? और तुम्हें जानता है किधर होता है? सब प्लस है, सब दूरी क्या होता है? प्लस होता है, पता है ना? इसलिए उत्तर लेंस का फोकस क्या जाएगा? प्लस। क्या जाएगा? प्लस। और इधर सब दूरी क्या होता है? माइनस। क्या होता है? इसलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या जाएगा? माइनस। समझ आ रहा है? तो पूछेगा कौन सा लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है? तो उत्तर लेंस। कौन सा लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है? अवतल लेंस। समझ आ रहा है ना? तो बता टू किसको बोले? मेन यही है ना? तो मेन को बोलते हैं टू। मेन को क्या बोलते हैं? एफ टू। क्या जाएगा? टू एफ टू ना हो जाएगा, आ जाएगा वन। ये क्या हो जाएगा? वन। समझ आ गया? तो लेंस में कितना फोकस होता है? लेंस में कितना फोकस होता है? लेंस में दो फोकस एवं दो वक्रता केंद्र होता है। दो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को क्या बोलते हैं? टू एफ। क्या बोलते हैं? दो वक्रता केंद्र केंद्र होता है। दो वक्रता केंद्र होता है, दो वक्रता केंद्र जिसमें एफ टू को, जिसमें F2, समझ रहा है ना? यानी दूसरा फोकस, दूसरा जिसमें F2 को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसमें F2 को मुख्य फोकस कहते हैं। F2 को मुख्य फोकस क्यों कहते हैं? क्योंकि F2 से ही प्रकाश जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। तो F2 को मुख्य फोकस कहा जाता है, कहा जाता है। पूछेगा लेंस में कितना फोकस होता है? दो। मुख्य फोकस किसको कहते हैं? F2 को। किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से प्रकाश जाता जाता हुआ प्रतीत होता है। समझ आ रहा है? अब बताओ उत्तर लेंस का फोकस दूरी प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि इधर माइनस होता है, इधर होता है प्लस। क्या होता है? इसका फोकस दूरी किधर है? इधर है ना। ये क्या हो जाएगा? प्लस। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस की प्लस? माइनस, क्योंकि इधर माइनस होता है, इधर होता है प्लस। क्या होता है? जिसका इधर है ना, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो अब बताओ उत्तर लेंस का फोकस दूरी, उत्तर लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव यानी प्लस होता है। प्लस होता है जबकि जबकि उत्तल लेंस लिखे ना, हाँ, जबकि अवतल लेंस, जबकि अवतल लेंस, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी किधर हो रहा है? इधर हो रहा है या माइनस होगा? दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, यहाँ लिख रहा है ऋणात्मक, बोले तो निगेटिव, ऋणात्मक बोले तो निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। अच्छा दर्पण में बता किसका प्लस होगा, किसका माइनस होगा? दर्पण में किसका फोकस दूरी प्लस होगा, दर्पण में किसका फोकस दूरी माइनस होगा, जल्दी बताओ। दिमाग में, सिंपल दिमाग में पिक्चर सोचना है, ठीक है ना? दर्पण उल्टा नहीं कर, दिमाग में पिक्चर ले ना, पिक्चर ले लेंगे, समांतर आएगा, फोकस जाएगा, फोकस यही ना हो गया। तो ये कौन दर्पण है? अब तो दर्पण है ना, तब तो दर्पण का फोकस कहाँ है? आगे है। तो अब तो दर्पण का माइनस हो जाएगा, तब तो दर्पण का यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है ना, और अवतल लेंस का यहाँ भी माइनस हुआ ना, यहाँ भी माइनस। तो सिर्फ यही ना बदलता है, यही सिर्फ सेम रहता है दोनों अवतल में, लेकिन बाकी सब कुछ उल्टा हो जाए। क्या हो जाएगा? तो समझ ना, जो दिमाग में पिक्चर लेना है, ठीक है ना? अब पिक्चर लेकर सोचना है कि किधर फोकस बन रहा है, किधर फोकस, तो समांतर आया तो आगे बन गया ना, आगे बन गया तो माइनस हो जाएगा। तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? अगर उत्तल दर्पण लेता तो क्या होगा? उत्तल दर्पण ऐसा होता है कि यहाँ समांतर आएगा, समांतर आएगा, ऊपर भाग जाएगा, तो लगेगा पीछे, सारा लगेगा पीछे से, तो इसे फोकस कहाँ हो गया? पीछे। कहाँ हो गया? तो पीछे क्या होता है? प्लस। पीछे क्या होता है? तो देखो यहाँ पर उत्तर लेंस के यहाँ भी फोकस दूरी प्लस था, और उत्तर दर्पण का फोकस दूरी प्लस हो रहा है, तो सिर्फ यही दोनों समानता होता है, बाकी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो समानता क्या हुआ कि फोकस दूरी उत्तर दर्पण और उत्तर लेंस दोनों का फोकस दूरी धनात्मक, सिर्फ यही समानता है, बाकी सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक, सिर्फ यही समानता है, बाकी बस सब कुछ उल्टा। समझ आ गया तुम लोग को? आया तुम लोग को समझ? तो लिख इतना जल्दी फटाफट।